नमस्कार, मैं अप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। इस बार दागे विधायकों को टिकट नहीं देगी जदयू। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत जदयू ने चुनाव में किसी भी दागे विधायक को टिकट नहीं देने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, बीते दिन इस मुद्दे को लेकर पार्टी के कई नेताओं ने अपना पक्ष भी पार्टी आलाकमान के सामने रखा था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, ददन पहलवान और अंजुम आर का नाम शामिल है। जिसके बाद पार्टी ने अपना आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि जिन भी प्रत्याशियों पर कोई भी मामला दर्ज है, उन्हें जदयू इस बार टिकट नहीं देगी। स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष शपथ पत्र देने के लिए भी कह दिया गया है, जिसके बाद सभी वकील इस बात की पड़ताल करेंगे ताकि आयोग द्वारा किसी पर्चे पर कोई आपत्ति ना जताई जाए। वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले जदयू अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देगी। आगामी चुनाव के मद्देनजर फ्लाइंग स्क्वाड और सर्विलांस टीम हुई तैयार। आगामी विधानसभा चुनाव में धनबल के जरिए मतदाताओं को अपने पक्ष में करना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि फ्लाइंग स्क्वाड और सर्विलांस टीम की नजर अब हर कदम पर बनी हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता, चुनाव के दौरान अत्यधिक पैसे की गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए इन टीमों का गठन किया गया है, जो कि पूरे इलाके पर नजर बनाए रखेगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा इस संबंध में सभी जिलों के डीएम एसपी के साथ रेंज आईजी डीआईजी को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। ज्ञात हो, चुनाव के दौरान धनबल समेत दूसरे माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करने वालों पर नकेल कसने के लिए इस टीम का गठन किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3 टीमों को काम करने पर लगाया गया है। बिहार में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर में 28% बढ़ोतरी की कही गई बात। बिहार में कोरोना प्रभावित की संख्या जहां एक तरफ बढ़ती जा रही, वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो बिहार में बीते 60 दिनों में स्वस्थ होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार स्वस्थ होने वालों की दर 28% की बढ़ोतरी देखी गई है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संक्रमित मरीजों के हर संभव मदद की जा रही है, जिसके तहत जो भी संक्रमित होम आइसोलेशन में है, उन्हें उनके घर पर रहकर उनके स्वास्थ्य की निगरानी रखने के अतिरिक्त संक्रमित को दी जाने वाली जरूरी मानकों की किट उपलब्ध करवाई जा रही है। स्वरा भास्कर ने की रिया चक्रवर्ती को रिहा करने की मांग। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एम्स की रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर से अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने रिया चक्रवर्ती का समर्थन किया है, जिसके तहत उन्होंने रिया को रिहा करने की मांग की है, क्योंकि एम्स के डॉक्टरों ने इस पूरे मामले में किसी तीसरे व्यक्ति के शामिल होने की बात को खारिज कर दिया है। जिसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी रिया को छोड़ने की बात कही थी, जिसका समर्थन करते हुए ही स्वरा ने एक ट्वीट में लिखा कि वेल डन सर, और हैशटैग के साथ उन्होंने हाथ जोड़ने वाला इमोजी भी लगाया और लिखा कि रिलीज रिया चक्रवर्ती। जिसके बाद सभी यूजर सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शंस भी देते नजर आए। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की हुई घोषणा। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की चर्चा पूरी कर ली है, जिसके बाद अब लगभग 50 सीटों पर नाम तय माने जा रहे हैं। भाजपा और जदयू को मिलने वाली सीटों की औपचारिक घोषणा के बाद भाजपा की तरफ से सूची तैयार कर दी गई है, जिस पर चुनाव समिति की तरफ से मुहर लगा दी गई है। आपको बता दें, पार्टी के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के लिए बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महासचिव बीएल संतोष समेत कई नेता मौजूद थे। मिली जानकारी के अनुसार बैठक के शुरुआती 2 घंटे में ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नामों की सूची जारी कर दी थी। जा प्रमुख पप्पू यादव ने विपक्ष पर ट्विटर की राजनीति करने के लगाए आरोप। जा प्रमुख पप्पू यादव चुनावी रंग में रंगे नजर आ रहे हैं, जिसके तहत पप्पू यादव ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है, जिसके तहत रविवार को अपना बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जाप और उनका पीडीए गठबंधन घरों में बैठकर ट्वीट नहीं खेलते, बल्कि सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने में यकीन रखते हैं। ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष वसी अहमद द्वारा पीडीए को समर्थन देने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बातें कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्षी दलों में छोटे दलों को सम्मानित नहीं किए जाने की बात भी कही है। दुर्गा पूजा से पहले कई रूटों पर लगभग 28 ट्रेनों का शुरू होगा परिचालन। लॉकडाउन के 6 महीने के बाद रेल के पहियों को दोबारा से सुचारू रूप से खोलने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत दुर्गा पूजा से पहले बिहार वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। पूजा से पहले रांची समेत झारखंड से 28 ट्रेनें शुरू हो सकती है। रांची रेल मंडल के ADRM अजीत सिंह यादव ने इस बात की जानकारी दी है और इससे संबंधित प्रस्ताव भी भेज दिया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि 17 अक्टूबर से दुर्गा पूजा की शुरुआत होने वाली है, इसीलिए 15 अक्टूबर से पहले ही ट्रेनों का परिचालन शुरू करवाया जाएगा। प्लूरल्स पार्टी के पुष्पमप्रिया चौधरी ने जारी की 40 उम्मीदवारों की सूची। अपने आप को मुख्यमंत्री पद की दावेदार बताने वाली पुष्पमप्रिया चौधरी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसके तहत उन्होंने 40 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि आने वाले 24 से 36 घंटे के अंदर वो
31 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर देंगी। आपको बता दें, पुष्पम प्रिया चौधरी ने खुद 2 विधानसभा सीटों से अपनी दावेदारी पेश की है, जिसके तहत उन्होंने मधुबनी जिले के बिस्फी सीट से मैदान में उतरने का फैसला किया है। साथ ही पटना के बांकीपुर सीट से भी वो मैदान में उतरने वाली है। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज नामांकन की थी आखिरी तारीख। पटना शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज आखिरी समय था। पटना प्रमंडल कार्यालय में सोमवार 3 बजे तक नामांकन भरने की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसके बाद अब नामांकन पत्रों की छटनी की जाएगी। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अब तक 10 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 3 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दायर कर दिया है। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने अपने नामांकन पत्र को 2 सेट में जारी किया है। अंतिम तौर पर इन नामांकन भरने वालों की लंबी कतार भी देखने को मिली। पहले चरण के 71 सीटों पर जल्द ही नामांकन भरेंगे एनडीए प्रत्याशी। बिहार विधानसभा चुनाव के 3 चरणों के आयोजन को लेकर तारीख की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद प्रत्याशियों के नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू है। इसी क्रम में पहले चरण के चुनाव के लिए एनडीए के प्रत्याशी मंगलवार से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। आधिकारिक सूत्रों की माने तो पहले चरण में सीटों पर जदयू और भाजपा के प्रत्याशी 6 अक्टूबर से अपना पर्चा भरने वाले हैं। पहले चरण में नामांकन के अंतिम दिन यानी कि 8 अक्टूबर को भी कई प्रत्याशी अपना नामांकन भरने वाले हैं। आपको बता दें, 16 जिले जिनमें 71 सीटों पर चुनाव होने हैं, उन सीटों पर टिकट पाने वाले उम्मीदवार को जदयू के साथ साथ भाजपा की तरफ से भी सूचनाएं जाने लगी है। जदयू ने किया प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जदयू ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, जिसके तहत जदयू ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर ली है। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को करवाया जाएगा। इसके लिए एनडीए के प्रमुख घटक दल जदयू ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, जिसके तहत पार्टी ने मोकामा से राजीव लोचन को टिकट दिया है। वहीं सूर्यगढ़ से रामानंद मंडल को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। बरबीघा से सुदर्शन को तो वहीं झाझा से दामोदर रावत को टिकट दिया जाएगा। इसके साथ ही करगहर से वशिष्ठ सिंह, जगदीशपुर से कुसुमलता कुशवाहा, अगियाव से प्रभु आम धौराया से मनीष कुमार को मैदान में उतारा जाएगा। पहले चरण में जिन भी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, उनका पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार के आवास पर आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एम्स के डायरेक्टर सुधीर गुप्ता की ऑडियो हुई लीक। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एम्स की तरफ से रिपोर्ट तलब की जा चुकी है, मगर अब एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता का ऑडियो क्लिप लीक हो गया है, जिसके तहत इस पूरे मामले में एक बार फिर से तुल पकड़ना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार लीक हुए ऑडियो में सुधीर गुप्ता ने सुशांत सिंह राजपूत की जान लेने की बात को स्वीकारा है, जिसमें वो यह साफ कहते सुने जा रहे हैं कि यह एक सोची समझी साजिश है। सुशांत ने अपने साथ ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, बल्कि किसी ने साजिश के तहत उनकी जान ली है। हालांकि यह बयान उन्होंने तब के बताए हैं जब वो जांच करने नहीं गए थे। आपको बता दें, सुधीर गुप्ता उसी टीम के सदस्य हैं जिन्होंने सुशांत की फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच की है। आज दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोरो होंगे आमने सामने। आज आईपीएल के 13वें संस्करण में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक दूसरे के आमने सामने भिड़ने वाले हैं। जहां पिछले मैच में आरसीबी को शानदार जीत मिली थी, वहीं आज के मैच में आरसीबी एक बार फिर से जीत के इरादे से मैदान में उतरने वाली है। वहीं दूसरी तरफ युवाओं की टोली कही जाने वाली दिल्ली कैपिटल्स, जो कि अब तक 4 में से 3 मैच जीत चुकी है, आज का मैच भी जीतने की पूरी कोशिश करेगी। जहां पिछले मैच में दिल्ली की टीम ने कोलकाता को हरा दिया था, वहीं आज के मैच में आरसीबी को भी हराने की कोशिश करते दिखेगी। दिल्ली कैपिटल्स 4 मैचों में से 3 जीत और 0.588 नेट रन रेट के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 4 मैच में से 3 मैच जीतकर 0.954 नेट रन रेट के साथ तीसरे स्थान पर। दोनों ही टीमों ने अपने पिछले मैच को जीता था। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 66 लाख के पार। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 74,442 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 66,23,815 पर पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 903 मरीजों की जांच चली गई है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 1,02,685 पर पहुंच गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में 76,737 मरीज संक्रमण से मुक्त भी हो चुके हैं, जिसके बाद ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 55,86,703 पर पहुंच गई है। वहीं 9,34,427 सक्रिय मामले मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। एम्स की फोरेंसिक टीम की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत मामले में जारी की गई रिपोर्ट से आप कितने संतुष्ट है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।